हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्लपूल। अभी हम आपको वर्लपूल फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन 360 डिग्री ब्लूम वॉश प्रो वॉशिंग मशीन के ATR मींस ऑटो टेस्ट रन मोड के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑटो टेस्ट रन मोड को सर्विस टेस्ट रूटीन मोड भी बोला जाता है। सर्विस टेस्ट रूटीन मोड को चलाने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स को चेक करना होता है, जैसे कि पॉइंट 1, मशीन के अंदर कोई लोड नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मशीन का इनलेट पाइप मशीन और वाटर टैप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और साथ ही साथ मेरी वाटर टैप भी ऑन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मशीन का ड्रेन पाइप मशीन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और फ्लैट जमीन पे पड़ा हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मशीन की पावर सप्लाई ऑन होनी चाहिए और साथ ही साथ मेरी मशीन प्रॉपर लेवल के अंदर भी होनी चाहिए। अगर मेरी मशीन प्रॉपर लेवल में नहीं होगी तो मशीन आपको UV एरर शो करेगी। सर्विस टेस्ट रूटीन मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको मशीन को पहले मेन स्विच से ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद जब डिस्प्ले पे सारी लाइटें एक साथ आकर के बंद हो जाएं, तो मेरे को साइकिल स्टार्ट पॉज वाटर लेवल एक्सप्रेस वॉश ड्राई हार्ड वाटर वॉश एंड डीप क्लीन बटन्स को सिक्वेंसली एक साथ प्रेस करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो सीक्वेंस मैंने आपको अभी बताया है उसी सीक्वेंस को फॉलो करें और किसी सीक्वेंस से मशीन आपकी सर्विस टेस्ट रूटीन मोड के अंदर एंटर नहीं होगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर आपको A01 शो हो रहा है, इट मींस आपकी मशीन सर्विस टेस्ट रूटीन मोड के अंदर एंटर हो चुकी है। इसको आगे प्रोसेस करने के लिए मेन लिड को ओपन करके क्लोज करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने जब लिड ओपन किया है, लिड ओपन करने के टाइम पर आपको डिस्प्ले पर लिड शो हो रहा है। अगर मान लीजिए लिड ओपन करने पर मशीन A01 से आगे नहीं बढ़ती, इसका मतलब हो सकता है कि मशीन के अंदर डोर स्विच या वायरिंग या फिर PCB का इशू हो सकता है। जैसे मैं लिड क्लोज किया, मशीन की डिस्प्ले के ऊपर A02 लिखा आया। A02 के ऊपर मशीन सेल्फ टेस्टिंग करती है। सेल्फ टेस्टिंग करने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली A03 सीक्वेंस पे चली जाती है। A03 के ऊपर मशीन इनलेट वाल्व और वाटर प्रेशर सेंसर को चेक करती है। A03 सीक्वेंस पर मशीन लगभग 15 लीटर के आसपास पानी लेती है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि टब के अंदर पानी आना स्टार्ट हो चुका है। जब मेरी मशीन लगभग 15 लीटर के आसपास पानी ले लेगी तो मशीन ऑटोमेटिकली सीक्वेंस A04 पर चली जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर आपको मशीन आपको A04 सीक्वेंस शो कर रही है। A04 के ऊपर मशीन लगभग 20 सेकंड तक एजिटेशन करती है। A04 मोड के ऊपर मशीन की मैन मोटर और मैकेनिकल पार्ट्स चेक होते हैं। जब मेरी मशीन A04 सीक्वेंस कंप्लीट कर लेगी तो मशीन ऑटोमेटिकली सीक्वेंस A05 पर चली जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर आपको A05 शो हो रहा है। A05 के ऊपर मशीन टॉर्क मोटर और प्रेशर सेंसर दोनों को चेक करती है। A05 के ऊपर मशीन टब के पानी को ड्रेन भी कर देती है। जब मशीन का पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा तो मशीन का सीक्वेंस ऑटोमेटिकली A05 सेट करके A06 पर आ जाएगा। A06 के ऊपर मशीन स्पिनिंग मोड में आ जाती है और स्पिन करती है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि टब हमारा स्पिनिंग मोड में आ चुका है और स्पिन कर रहा है। जब मेरी मशीन के अंदर स्पिनिंग मोड कंप्लीट हो जाएगा तो मशीन लास्ट में आपको डिस्प्ले पर एंड शो करेगी और उसके बाद ऑफ लिख करके मशीन ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय मोड के अंदर चली जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जिस टाइम पे मेरी मशीन सर्विस टेस्ट रूटीन मोड के अंदर है और उस टाइम पे मशीन के अंदर अगर कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो मशीन आपको उससे रिलेटेड एरर वहीं की वहीं शो करेगी और उस एरर को एरर चार्ट के अंदर देख करके आपको पता करना होगा कि वो एरर किस पार्ट से रिलेटेड है और उस पार्ट को आपको चेंज करना होगा। अगर आप मशीन के अंदर कोई भी पार्ट चेंज कर रहे हैं, पार्ट चेंज करने के बाद मशीन को
आपको सर्विस टेस्ट रूटीन चलाना जरूरी है। अगर आपने मशीन को सर्विस टेस्ट रूटीन नहीं चलाया तो हो सकता है कि मशीन आपकी प्रॉपर बिहेव ना करे